हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो है प्रोसेसिंग टाइम को लेके। जी हाँ, प्रोसेसिंग टाइम फाइनली हाई कमीशन की तरफ से रियलिटी के थोड़ा बहुत आसपास आया है, क्योंकि बहुत से एप्लीकेंट थे जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई थी, रिजल्ट की वेट कर रहे थे, लेकिन लिखा हुआ था ऑनलाइन कि 75% जो रिजल्ट है वो 30-35 दिन के आसपास वो प्रोवाइड करें, लेकिन लोगों को 50 दिन हो चुके थे। तो वो कह रहे थे कि ये हो क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। स्टार्टिंग में ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है, एंड और डिटेल के लिए अगर सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो आपको अपडेट्स जो होती है लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो भी वीडियो आती है वो आप तक टाइमली आ सकती है। सो यहाँ पे अगर प्रेजेंटली सीधा हम प्रेजेंट पे आए, पहले तो बैसी का क्या कहना है उसके ऊपर आते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग टाइम क्या है। राइट नाउ जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग टाइम अपडेट हुआ है अगर उसकी बात करें, दैट इज फॉर 50% एप्लीकेशन के लिए वही आ गया 30-35-40 दिन के आसपास का। 50% एप्लीकेशन के लिए 30 से नीचे ही है वैसे थोड़ा सा, ऑनलाइन तो लिखा हुआ 26-27 दिन, बट आप मान के चलो कि 50% एप्लीकेशन के लिए 30-35 दिन का टाइम जो रियल रहेगा इसके आसपास टाइम लगेगा। अब इस 50% एप्लीकेशन में ज़्यादातर एप्लीकेशन वो आएगी जो पेरेंट्स होंगे, जी हाँ, जिनकी एज ज़्यादा होगी या जो पहले से ट्रैवल किए होंगे। हो सकता है कि ज़्यादातर एप्लीकेशन ये वो वाली होंगी या जिनकी जॉब या फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि उस पर टाइम नहीं लगेगा, ये ऐसे केसेस आएंगे। अब असली जो चीज़ आती है वो आती है जी 75% एप्लीकेशन कितने टाइम में प्रोसेस हो रही है। 75% एप्लीकेशन के लिए उन्होंने जो ऑनलाइन माना है, जो अपडेट किया टाइम है, दैट इज अबव 60 डेज। मतलब अब ये रियलिटी के आसपास आया टाइम कि एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है एम्बेसी का नॉर्मल रिजल्ट के लिए, अब हम नॉर्मल को इसको नॉर्मल में कहेंगे, दैट इज 2 मंथ। तो मतलब कि एम्बेसी की तरफ से तकरीबन 8-9 हफ्ते का टाइम नॉर्मली लिया जा रहा था। देखिए, ये प्रोसेसिंग टाइम पास्ट को इंडिकेट करता है, तो मतलब पिछले टाइम में जिनके भी रिजल्ट लेट थे उनको अब आंसर मिल गया होगा कि एक्चुअल में एम्बेसी का जो पुराना प्रोसेसिंग टाइम था अब उसको देख रहे थे। प्रेजेंट जो प्रोसेसिंग टाइम निकल के आया है अभी जो पास्ट में अभी अपडेट हुआ है, दैट इज कि नॉर्मली जो उनको है 60 दिन लगेंगे। अब कईयों को फिर से क्वेश्चन है कि मेरे तो 60 दिन भी इंक्रीज हो चुके। दोस्तों, ये कहीं नहीं लिखा कि अगर 60 दिन इंक्रीज से क्रॉस हो गया तो 8वें दिन आपका वीज़ा आना ही आना है। उसके आगे जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही थोड़ा सा शॉकिंग चीज़ होगी कईयों के लिए। उसके आगे लिखा है कि 90% एप्लीकेशन के लिए उनको लग रहा है जी टाइम 20 मंथ लिखा है, डेज नहीं लिखा है, 20 महीने तक लग सकते हैं। अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है जी कि जिसको 60 दिन से ऊपर हो जाएंगे उसको तो 20 महीने लगेंगे। दैट मींस कि कुछ कोविड से पहले की लगी फाइल्स होंगी, कुछ फाइल उनकी प्रोसेसिंग में होल्ड में पड़ी होगी, तो वो जो आखिरी के 10-15-20% होता है ना, तो वो हमेशा से ही रहता ही था, लेकिन कभी 20 मंथ नहीं हुआ, लेकिन कुछ मंथ तो वो हमेशा से रहता था। लेकिन अभी के लिए यह है क्योंकि उस पर प्रोसेसिंग आई थिंक इन्होंने रोकी हुई थी, जहाँ ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें शायद आगे कोई रिक्वायरमेंट करनी हो, किसी का मेडिकल क्लियर ना हुआ हो तो नया मेडिकल मांगने के लिए वो टाइम लेते हैं, कई बार शायद 6 महीने के बाद अपडेट देंगे, कई और कारण हो सकते हैं। बट जो भी एप्लीकेंट अब नई फाइल लगाना चाहता है वो इस बात को नोट कर ले, लिख के रख ले कि भाई 2-3 महीने पहले वैसी में फाइल लगाओ, इसमें वो भी आएंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप वगैरह देखने का प्लान बना रहे हैं। तो कम से कम आप एम्बेसी के अगर कोई भी टाइम है तो 3 महीने आप एम्बेसी को टाइम दे के चलो। मैं नहीं कहता कि आप 2 महीने के हिसाब से चलो, पहले आ जाएगा तो आपकी किस्मत है जी, किस्मत अगर साथ देगी तो ठीक है, नहीं तो 3 महीने तो कम से कम लेके चलो। और अब वो टाइम आ गया है जब आपको स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा कि क्या आपका ट्रैवल अर्जेंट जाना है, क्या अब अर्जेंट कौन सा है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन पीआर है और उनकी मैरिज वगैरह हो रही है ऑस्ट्रेलिया में ही, तो उनका जाना वो अर्जेंट में आता है, तो पेरेंट्स की तो वैसे तो रिजल्ट आ रहे हैं विद इन 30 डेज। बट अगर आपका लगता है कि विद इन 30 डेज वाला रिस्क नहीं लेना, हमें तो जल्दी जाना है, 20 दिन बाद पहुँचना है, 15 दिन बाद पहुँचना है, तो आप सीधा ही एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करके $1,000 एम्बेसी फीस जो है वो आप एक्स्ट्रा पे कर लो और आप अपनी प्रायोरिटी में फाइल लगा सकते हो। इस पे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ, जो यंगस्टर एप्लीकेंट हैं आप रिस्क प्रायोरिटी सर्विस वाला ना लें,
अगर आप ये सोचते हैं कि प्रियोरिटी सर्विस लेने से वीज़ा आ जाता है तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ही मैं कहूँगा। इससे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, आपका लॉस बढ़ सकता है आगे चल के अगर वीज़ा नहीं आता, क्योंकि बेसिक एंगल से देखे तो जब आप प्रियोरिटी सर्विस सेलेक्ट करते हो तो उस ये नहीं कहते वीज़ा देंगे, वो प्रोसेसिंग को लेके बात करते हैं। एंड इसमें अगर मेडिकल वगैरह होना तो वो मत सोचो कि वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो जिनकी लॉन्ग स्टे है उनके लिए फिर से दिक्कत है। तो अगर आपकी स्टे लेस देन 3 मंथ वाली रखनी है, अप टू 3 मंथ रखनी है, उसमें ज़्यादातर वो मेडिकल नहीं मांगते, तो आप प्लीज़ फिर प्रियोरिटी सर्विस ले लो। लेकिन अभी के लिए ये रश का ही साइन है कि वैसे में इतना ज़्यादा रश हो चुका है, प्रोसेसिंग टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एप्लीकेंट जो थे क्यू में लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और एक और इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ है कि कईयों में क्या हुआ है कि जिनकी एप्लीकेशन साथ में लगी थी, पेरेंट्स के साथ बच्चों ने भी लगाई हुई थी, हस्बैंड वाइफ ने अप्लाई किया हुआ था, उसमें से ये बहुतों के साथ हुआ है कि जो लो रिस्क एप्लीकेंट होते हैं, कई बार नॉर्मली क्या होता है कि मान लो कि फीमेल एप्लीकेंट है तो उसको शायद वो लो रिस्क में काउंट कर ले, तो वाइफ का वीज़ा आ चुका है, हस्बैंड वेटिंग में है, मदर का वीज़ा आ चुका है, बच्चे वेटिंग में हैं। तो ऐसा बहुत केसेस में हुआ है क्योंकि वो लो रिस्क एप्लीकेशन, जहां उनको पता है भी ज़्यादा कुछ करने वाला काम है नहीं, तो ऐसी एप्लीकेशन को वो जैसे ही उनके सिस्टम में आती है ओवरव्यू लेते हैं। क्योंकि मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि कहीं ना कहीं जैसे आपकी फाइल सबमिट होती है तो कहीं ना कहीं उसको रिव्यू किया जाता है, एक बेसिक रिव्यू, उसके बाद उसको मेन प्रोसेसिंग में डाला जाता है, जितना मेरा मानना है। नहीं तो पेरेंट्स के रिजल्ट 2-3 दिन में नहीं आने चाहिए थे, उसको कोई ना कोई तो रिव्यू करता है, जहाँ वो एज वाइज उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है, जहाँ ट्रैवल हिस्ट्री वाइज की जो पहले से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल है उनके लिए कुछ बनाया हुआ, तो उनके सिस्टम में है जो उनको नोटिफाई करता है कि ये लो रिस्क वाली एप्लीकेशंस हो सकती है जिस पे टाइम उनको कम लगेगा। तो हो सकता है कि प्रोसेसिंग को भी मैनेज करने के लिए वो लो रिस्क वाली एप्लीकेशन को फटाफट से निकाल रहे हैं, जिसमें कईयों के तो रिजल्ट एक्चुअल में ऑनलाइन भी लिखा हुआ है, एक्चुअल में भी 6-7 दिन में भी कईयों के रिजल्ट आए हैं, बट सबके वो नहीं है, वो पेरेंट्स के ज़्यादातर मैंने देखे हैं। एंड बाकी हो सकता है उसमें प्रियोरिटी वाले भी इंक्लूड होंगे, जो बाकी अगर बात करें तो एवरेज फिर भी वैसे 10-15 दिन तो पेरेंट्स के लिए भी लेने स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी प्रोसेसिंग डिले है, प्रोसेसिंग टाइम ऑनलाइन अपडेट हो चुका है, उसको भी फाइल एंड ना काउंट करें, उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, किसी को कम टाइम भी लग सकता है। सो अगर और कोई नोटिफिकेशन आता, कोई अपडेट आती है, तो बहुत जल्द एक नई वीडियो जो है मैं इस चैनल पे लेके आ जाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो सके कि प्रोसेसिंग टाइम क्या कहता है और प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, मैं वो भी आपको साथ में बताता रहता हूँ। सो अब लास्ट में जाते हुए कुछ मैं जो है टिप्स भी दे दूंगा जो नए एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कई एप्लीकेंट होते हैं जो ये चीज़ें पूछते रहते हैं। तो देखिए, जो भी नया एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहता है, आज की डेट में अम्बेसी जो है फाइनेंशियल के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, स्पेशली जिनकी एज कम है। एज कम का मतलब है कि आप थोड़ा सा यंग वाली एज में आते हो, 20 से लेके जहाँ आप 35 से नीचे नीचे हो, इवन 40 से नीचे वाले भी काउंट कर लो, तो वैसे जो है जो 30 से नीचे, वहाँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी एडवाइस, आपके फाइनेंशियल के ऊपर बहुत फोकस दे रहे हैं, वो आपकी इनकम का सोर्स अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं, आपकी ITR वगैरह भी देख रहे हैं, आपकी इनकम अकाउंट में कितनी है, उसका जो मैं कहूँगा आपकी उसको प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा दी जा रही है। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो कोशिश करो कि आपकी जो इनकम है वो आपके अकाउंट में आए, एंड उसकी ITR वगैरह जरूर फिल करो। जिनका अभी छोटा मोटा कोई बिजनेस है, कई बार क्या होता है कि कईयों ने पेरेंट्स के साथ बिजनेस रन कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस, तो अगर वहाँ से सैलरी आ रही है तो आप उसको इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पे होगी तो उसकी जो वैल्यू ज़्यादा है। बाकी आपने ट्राई करना है तो वो लक भी है कि आप ट्राई कर सकते हैं, कि फैमिली बिजनेस है जिसको आप भी रन कर रहे हो, तो लेकिन उसके बिहाफ पे आप कुछ ना कुछ ITR वगैरह या कहीं ना कहीं पार्टनरशिप टाइप में कुछ ना कुछ आपका नाम भी बोले कि ये बंदा भी कहीं ना कहीं इस जो काम है इसको ऑन करता है, जहाँ ये वर्क कर रहा है। तो मतलब देखिए, एंड ऑफ द डे जो एम्बेसी है उसने प्रूफ के ऊपर ही बात करनी है, तो एम्बेसी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि आपके डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, वो आप खुद क्या कह रहे हो उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप जो कह रहे हो ठीक है, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या आपकी जो इनकम है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जस्टिफाई हो रही है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपका वीज़ा आपकी इनकम के ऊपर आना है और उसके प्रूफ के ऊपर आना है, ना कि आपके लिखी हुई स्टेटमेंट के ऊपर कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी इतनी अर्निंग है, क्योंकि बहुत सा काम है जो कैश में चलता है, लेकिन वैसी के वीज़ा के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, जिनका रिसेंट में वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हुआ है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं,
कोई छोटी मोटी कंट्री आप जाओ, वैसे तो काफ़ी टूरिज्म के लिए डेवलप कंट्री आसपास भी, आप दुबई जा सकते हो, जहाँ आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कहीं ना कहीं एक टूर लगा के उसके 2-4 महीने दोबारा ट्राई कर सकते हो अगर आपका एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और अपडेट के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय।